अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं मटन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये रहे इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स में सिंपल हैं, ब्लैक पेपर और धनिया, ज़ीरा और मेथी, सूखी मेथी और सॉल्ट और कुटी हुई मिर्चें और हल्दी, मटन, टमाटोज़, ग्रीन चिलीज़, लहसुन, अनियन और हरा धनिया। बस यही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत झटपट और बहुत जल्दी से ये कढ़ाई बन जाएगी और बहुत टेस्टी भी होगी और टाइम भी नहीं लगेगा। बस अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पॉट ले लेंगे, पॉट के अंदर हम हाफ कप ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हम स्लाइस कर लेंगे अनियंस को, वो हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर, एक अनियन है। उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे लाइट सा, बहुत लाइट सा फ्राई करना है, जब कलर बस चेंज हो। तो हम लहसुन, काली मिर्चें और सूखा धनिया को साथ में ब्लाइंड कर लेंगे या दरदरा सा पीस लेंगे, कूट लेंगे, पीस लेंगे, एज योर विश। इसके बाद जब अनियन का कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे वो। बस ये अभी हम ऐड करते हैं, इसमें कलर चेंज होने का वेट कर रही हूँ कि जैसे ही कलर चेंज होगा हम इसमें अपना लहसुन अदरक का पेस्ट और काली मिर्चें और धनिया पिसा हुआ कुटा हुआ वो ऐड कर देंगे, फ्राई कर देंगे। ब्लैक पेपर कढ़ाई का टेस्ट आएगा इसमें, बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद हम इसको लाइट सा फ्राई करेंगे, जैसे ही हल्का सा ये कुक होगा हम इसमें अपना मटन ऐड कर देंगे। हाफ के जी मटन है, उसके लिए अकॉर्डिंग ये रेसिपी है, आप अपने जितने बना रहे हैं उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इंग्रेडिएंट्स को। अब हम मटन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे कि उसका कलर चेंज हो जाए। फिर इसके अंदर हम दूसरी चीज़ें भी ऐड करेंगे। जैसे ही मटन थोड़ा फ्राई होगा अच्छी तरह, जब हम अच्छे से फ्राई करते हैं तो फिर मटन में स्मेल नहीं रहती, और हम कच्चा रख देते हैं तो इस वक्त तो फिर स्मेल रहती है। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट के बाद हम इसमें हल्दी पाउडर और कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे। पहले हमने ज़ीरा ऐड कर दिया, अब हम हल्दी और कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे। इसको हल्का सा भूनेंगे इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह। ये देखें, ये अच्छे से भुन गया। अब हम इसमें जो है इसकी अच्छी से भुनाई करके वाटर ऐड करके इसको कुक करने के लिए रख देंगे। उतना वाटर ऐड करेंगे जिसमें ये गल जाए मटन। मैं यहाँ पे 3 ग्लास ऐड करके इसको ढक के रख दूँगी 45 मिनट्स के लिए, तो मेरा मटन अच्छे से गल जाएगा। आपका मटन जिस हिसाब से गलता है आप उस हिसाब से वाटर ऐड करके तो रख दीजिए। ये देखिए, मैंने 3 ग्लास वाटर ऐड कर दिया। अब इसे ढक के मैं कुक करने के लिए लाइट आंच पे 45 मिनट्स के लिए रख दूँगी। बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे कि हमारा मटन कुक हो रहा है, जल तो नहीं रहा, कोई और पानी की ज़रूरत तो नहीं है। ये देखिए, ये अच्छे से कुक हो रहा है। और अब जब ये थोड़ा सा हाफ डन से ज़्यादा हो जाएगा और पानी कम रह जाएगा तो इसमें हम टोमेटोज़ को स्प्लिट करके ऐड कर देंगे। टोमेटोज़ हाफ़ करके इसको रख देंगे ताकि हम इसके बाद में स्किन इजीली रिमूव कर सकें। स्किन रिमूव हो जाती है तो ग्रेवी हमारी स्मूथ रहती है। अब हम ये ऐसे टोमेटोज़ ऐड कर देंगे, और जितने आप ऐड करें टोमेटोज़, क्योंकि कढ़ाई है अच्छा लगेगा। मेरे पास 2 बड़े टोमेटोज़ हैं, मैं वो ऐड कर रही हूँ, और इनको अपसाइड डाउन रख के इसको हम कवर कर देंगे 10 मिनट्स के लिए। तो उससे ये होगा कि इजीली स्किन आप ऊपर से इसको बाद में रिमूव कर सकते हैं और भुनाई से पहले। ये देखें, ठीक है, अब हम इसको कवर कर देंगे। कवर करके हम 10 मिनट्स के लिए कुक करेंगे इसको। ये देखें, अब ईजिली इसकी स्किन रिमूव हो जाएगी। और ये देखें, ये हमने स्किन उतार दी सारी इसकी। स्किन उतारने से ना स्मूथ सी ग्रेवी आती है हमारे पास। आप अलग से भी निकाल के बॉईल करके ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन ये ईजी वे होता है। उसके बाद जब ये हम स्किन रिमूव कर लेंगे तो थोड़ा सा भून लेंगे, और जब एंड में भूनने का टाइम आ जाएगा तो हम योगर्ट
दो चमचे इसमें ऐड कर देंगे। अब इसकी हम अच्छे से भुनाई कर देंगे, जितनी अच्छे से भुनाई होगी उतना अच्छा टेस्ट होगा। अब इसमें हम ग्रीन चिली ऐड कर देंगे, अभी हम साबुत वाली ऐड कर रहे हैं, दो ऐड की है मैंने। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ऑयल आ गया कितना प्यारा सा। अब इसमें हम मेथी ऐड कर देंगे, ड्राई लीव्स जो होते हैं मेथी लीव्स, ये इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कढ़ाई में। उसके बाद हम इसको कवर करके फिर एक मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि मेथी का फ्लेवर आ जाए इसके अंदर, और ये हम अब सर्व कर देंगे। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बनती है, बहुत ईजी है, और कुकर में बनाए तो शायद और जल्दी बन जाए, बहुत मज़ा आता है। ट्राई करिएगा इसको और ज़रूर मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब